खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। वरिष्ठ अधिवक्ता से वसूली की, आक्रोशित अधिवक्ता धरने पर बैठे। ज्ञात हो कि विगत 3 नवंबर 2023 को तहसीलदार अंजनी गुप्ता द्वारा उपजिलाधिकारी ओबरा के चैम्बर में वरिष्ठ अधिवक्ता रामभजन मिश्रा, उम्र 70 वर्ष का, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए घोर अपमान किया गया, जिससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार ओबरा से उनके द्वारा किए गए कृत्य पर माफी मांग करते हुए ओबरा तहसील परिसर में उपस्थित सभी न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं द्वारा 7 बिंदुओं पर जिलाधिकारी सोनभद्र को ज्ञापन भी सौंपा गया, परंतु प्रशासन के निरंकुश और तानाशाहीपूर्ण अड़ियल रवैये व ओबरा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए आक्रोशित अधिवक्तागण ने अध्यक्ष सोनाचल बार एसोसिएशन कपूर चंद पांडे, महामंत्री दिनेश दुबे के नेतृत्व में बुधवार को धरने की शुरुआत की। पूर्व महामंत्री अनिल मिश्रा, उमेश शुक्ला, अनिल चौधरी, चंद्र प्रकाश शुक्ला, प्रभास पांडे, आनंद श्रीवास्तव, विनय कनौजिया, मुकेश तिवारी व अन्य अधिवक्तागण धरनास्थल पर उपस्थित रहे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तहसील में क्या बात है, क्या मामला? दिनांक 3/11/2023 को, 3/11/2023 को हम लोगों ने जो है अपने सामान्य कोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान एक प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था कुछ मामले को लेके। उसमें हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री रामभजन मिश्रा को जो है तहसीलदार ओबरा द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, मानित किया गया। उसी के संबंध में हम लोगों ने तत्काल 3 तारीख को ही एक मीटिंग किया। मीटिंग में निर्णय हुआ कि कल माननीय जिलाधिकारी महोदय आएंगे, उनको एक ज्ञापन दे के अवगत कराएंगे। जो है हम लोगों ने जो है तहसील दिवस को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया कि इस पर कोई कार्रवाई होगी और हम लोग जो है बोले माफी मांगने के लिए तहसीलदार को। तहसीलदार ओबरा के द्वारा आज तक कोई भी किसी प्रकार का माफी नहीं मांगा गया। हम लोगों का अनवरत प्रस्ताव जारी है, हम लोग कोर्ट का बहिष्कार किए हैं। उसी दौरान आज धरने पर बैठने का जो मुख्य कारण है, एक तहसीलदार न्यायालय, एसडीएम न्यायालय और जो है नायब तहसीलदार न्यायालय, तीनों एक साथ चलने लगी। ये हमारे बार के प्रस्ताव का अपमान है और हम लोगों ने जो संबंधित ज्ञापन दिया था भ्रष्टाचार को लेके, अधिवक्ता के अपमान को लेके, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। तो डीएम ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, तो क्या आश्वासन था और फिर अभी तक उनसे क्या मांग है आप? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने तहसील दिवस में ही कहा था कि जो भी आपका मांग पत्र है 7 बिंदुओं पे, उस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगभग 7-8 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी अब प्रमुख मांग ये है, जब तक तहसीलदार ओबरा को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। जैसे भ्रष्टाचार की बात है, किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ओबरा तहसील में जड़ तक भ्रष्टाचार के आकंठ में ओबरा तहसील डूबी हुई है। यहाँ पे खनन व्यवसायियों से लेके सारे जितने भी सिविलियन हैं उनसे रात में बुला के, और क्या बात की जाती है आखिरकार, रात में बुलाने का कारण क्या है? रात में बुला के 7 बजे 8 बजे जब भी रात हो, अंधेरा हो, बुला करके उनसे डायरेक्ट डीलिंग की जाती है हर मुकदमे की, और चाहे जो है खनन व्यवसाय से संबंधित जो भी नापी है, चाहे जो भी है, हर मतलब मामले की डीलिंग सीधा ये क्लाइंट से करना चाहते हैं। इनका कहना है कि अधिवक्ताओं का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि ये न्यायालय का मामला होता है बहुत सारा।